मंदसौर की दलौदा मंडी में पहुंचे हैं। मंदसौर के बाद में एक बड़ी मंडी है। दीपक जी व्यापारी हमारे साथ में है, आपका मार्केट टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, आज मंडी में क्या किस तरह की स्थिति है और कितना आवक हुई है? मंडी में आवक आज लगभग 800 बोरी से 1000 बोरी के आसपास है सोयाबीन की, और नीचे में 4300, ऊंचे में 4670 रुपए बिका सोयाबीन। क्या और उछाल आने की ये संभावना है? अभी तो यही बाजार चलेगा हाल फिलहाल, तो सोयाबीन की सीजन नहीं है, फिर भी अच्छी आवक हो रही है। हाँ, आवक अच्छी है दलौदा मंडी में। और क्या क्या किस तरह की आवक क्या हो रही है? सभी लहसुन मेन आवक है हमारे यहाँ, 15,000 कट्टे आवक है लहसुन के। क्या रेट है लहसुन? नीचे में 7,000, ऊंचे में 14,000 रुपए बिक रही है। वेरायटी ऊँटी लहसुन ज्यादा आ रही है, ऊँटी 13-14,000 रुपये में। हाँ, मेथी भी आ रही है, मेथी 5,500 से 6,200 रुपए के बीच में, वो लगभग 200 बोरी के आसपास आवक है, 150-200 बोरी। तो कुल मिला के अच्छी जो है अभी आवक अच्छी है। हाँ, अच्छी आवक। गेहूं का क्या रेट होगा सर? गेहूं 2200 रुपए से जो 3-3200 रुपए तक बिक रहे हैं। किस में उछाल आने की संभावना है? ना अभी संभावना ये अभी बाजार यही चलेंगे हाल फिलहाल, आवक ज्यादा होने से और जो डिमांड कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दीपक जी जो व्यापारी थे हमारे साथ में, इनका कहना है कि मंडी के अंदर अभी अच्छी आवक होने की वजह से भाव में ज्यादा उछाल आने की संभावना कम है, लेकिन जो मंडी के अंदर आवक हो रही है उसमें सोयाबीन की भी अच्छी आवक हो रही है, इसके साथ गेहूं और लहसुन चना और मेथी की भी अच्छी आवक हो रही है। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।